Okay, hi everyone So today let's uh, discuss one interesting problem. So it says a sonometer wire of length uh, L vibrates in fundamental mode when excited by a tuning fork of frequency four one six Hz. If the length is doubled keeping other things uh, same, the string will fine. So is there say a sonometer wire and a length uh, that is L. एंड हमारे पास एक ट्यूनिंग फॉर्क है एंड इस ट्यूनिंग फॉर्क का जो फ्रिक्वेंसी है दैट इज़ फोर वन सिक्स हर्ट्स राइट ना हम क्या करते हैं इस सोनोमीटर वायर की लेंथ को डबल कर देते हैं देन uh, जो फ्रिक्वेंसी होगा वेव का इन द वायर वो चेंज नहीं होगा आप देखो जब लेंथ एल था उस टाइम पे जो फ्रिक्वेंसी था फोर वन सिक्स था जब लेंथ टू एल हो जाएगा तब भी फ्रिक्वेंसी कितना होगा फोर वन सिक्स ही होगा बिकॉज जो फ्रीक्वेंसी है वेव का वो डिपेंड करता है ट्यूनिंग फॉर्क पे जैसे हमने इसके प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था है ना लेंथ मैटर नहीं करेगा क्या मैटर करेगा व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क जो भी फ्रीक्वेंसी होगा ट्यूनिंग फॉर्क का वही फ्रीक्वेंसी होगा वेव का और यू कैन से वाइब्रेशन का इन द वायर डजेंट मैटर द लेंथ ऑफ द वायर बिकॉज जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा ना जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्लियर से पॉइंट पी द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द वन ऑफ द प्रॉन्ग्स ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है इसके इसका जो प्रोंग है उसका जो वाइब्रेशन है वही वाइब्रेशन मिलेगा पॉइंट पी को सो दैट्स वाई पॉइंट पी का जो फ्रीक्वेंसी होगा दैट विल बी फोर वन सिक्स है ना सो दैट्स वाई जो वेव्स प्रोड्यूस होंगे इस वायर में उसका भी फ्रीक्वेंसी सेम होगा so i think you have understood let right? me know if you still have any confusion okay guys keep working hard best of luck bye